एक टाइम था जब एक फोन से दूसरे फोन में फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम एक्सेंडर का इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें काफी फास्ट यहाँ पर डाटा ट्रांसफर हो जाया करते। लेकिन आज के टाइम पे एक्सेंडर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आज के टाइम पर अगर हम बड़ी से बड़ी डाटा को दूसरे फोन पर ट्रांसफर करना चाहें तो कैसे करें। कुछ लोग क्या करते हैं, OTG के माध्यम से पहले पेन ड्राइव पर डाटा को कॉपी करते हैं, फिर उस पेन ड्राइव को दूसरे फोन पर कॉपी करते हैं, लेकिन इसमें काफी लंबा चौड़ा समय लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला एक गजब का तरीका जिससे आप चुटकियों में बड़े से बड़े फाइल को एक फोन दूसरे फोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली, आपके काम की वीडियो होने वाली, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मेरे दोनों मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो अभी मैं आपको ये वाले फोन से दूसरे फोन में डाटा को ट्रांसफर करके दिखाऊंगा, मतलब इस फोन से मैं डाटा को ये वाले फोन पर ट्रांसफर करने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चलता हूं गैलरी पर इस तरह से, और चलो हम यहां पर चलते हैं फाइल मैनेजर पर, ठीक है, क्योंकि फाइल मैनेजर पर हमें बड़ी बड़ी वीडियो मिल जाएंगी। तो यहां पर हम चल दिए, ये चल दिए वीडियोस पर, और यहां से हम एक वीडियो ले लेते हैं। चलो ये वाले वीडियो ले लेते हैं। कौन से वीडियो ले रहे हैं, वीडियो वीडियो वीडियो, इसमें तो बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी है। चलो हम ये वीडियो को शेयर करते हैं क्योंकि ये बड़ी वीडियो है, ठीक है, ये वाला। अब इस वीडियो को मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, बस इस पर प्रेस एंड होल्ड करना है, इसके बाद आपको मोर पे क्लिक करना है, या फिर आप शेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ डायरेक्ट शेयर का ऑप्शन नहीं है तो आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे में यहाँ पर डायरेक्टली शेयर का ऑप्शन मिलता है, मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको फीचर मिलेगा जिसका नाम है शेयर व्यू नियर बाई शेयर, ठीक है, नियर बाई शेयर, या फिर आपके में हो सकता है क्विक शेयर लिखा हो, क्योंकि अभी गूगल ने इसे अपडेट कर दिया है, इसके नाम को चेंज कर दिया। पहले ये नियर बाई शेयर के नाम से आता था, अब ये क्विक शेयर के नाम से आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा टर्न ऑन वाईफाई एंड ब्लूटूथ, मतलब ये जो सिस्टम है ये ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके काफ़ी तेज़ी से फाइल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों को यहाँ पर ऑन कर दिए, अब ये ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, अपना जो सेकेंड फ़ोन है जिसमें आपको रिसीव करना है वहाँ पर भी आपको वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपके ये जो फ़ोन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फ़ोन जिसमें हमें रिसीव करना है इसमें एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है क्विक शेयर। देख सकते हैं मेरे में यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं क्विक शेयर लिखा हुआ है, इसमें ऑफ भी कर सकता हूँ और इसे मैं ऑन भी कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो क्विक शेयर इस पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना है इस तरह से। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जो वू कैन शेयर विथ लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको एवरीवन कर देना है। एवरीवन करते ही आपके ये वाले फ़ोन पे नाम आ जाएगा, देख सकते हैं मेरे फोन का नाम है संदीप, यहाँ पर नाम आ चुका है, ठीक है। और अगर आपके में यहाँ पर नहीं दिखा रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्लाइड करके देख लेना है, कहीं ना कहीं पर आपको क्विक शेयर या फिर नियर बाई शेयर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे अगर इस फोन में आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो इसमें आपको नियर बाई शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्विक शेयर लिखा है, ठीक है, पहले इसका नाम नियर बाई शेयर था, अभी क्विक शेयर है, ठीक है। तो आपके भी फोन में आप देख सकते हैं आपको भी जरूर मिलेगा क्विक शेयर, हर फोन में आपको मिल जाएगा, हर एक फोन में आपको ये मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके भी फोन में नियर बाई शेयर या फिर क्विक शेयर मिल ही जाएगा। तो आपको इस पर प्रेस एंड होल्ड करना है, इसके बाद वू कैन शेयर विथ आपको क्लिक करना है इस पर और इसे आपको एवरीवन कर देना है। एवरीवन करते ही यहाँ पर जो आपका फोन का नाम है वो आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपके फोन में आपको एक्सेप्ट करना है कुछ इस प्रकार से। एक्सेप्ट किया, अब आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में हमारा फाइल चला जाएगा, ये देख सकते हैं काफ़ी तेजी से फाइल यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, देख सकते हैं, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब मैं आपको इस फोन से इस फोन में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम सबको करते हैं कट, ठीक है, ये हो गया कट, यहाँ से भी हम इसे कर देते हैं कट। अब मैं यहाँ से आपको वीडियो शेयर करके दिखाता हूँ, हम चलते हैं वीडियो पर और मैं शेयर कर देता हूँ, चलो इसे शेयर कर देते हैं टेडी बियर। चलो ये छोटा फाइल, हम बड़ा फाइल शेयर करेंगे, जैसे कि हम चलते हैं डाउनलोड पर, डाउनलोड पर हमारे पास बड़ा बड़ा फाइल है, ठीक है, चलते हैं डाउनलोड, ये रहा डाउनलोड, इसमें आपको बड़ा बड़ा फाइल मिल जाएगा, ठीक है, चलते हैं लास्ट पे, इसमें आपको बड़ा बड़ा फाइल ज़रूर मिलेगा। और देख लेते हैं इधर इसमें, क्योंकि मूवी हमने डाउनलोड करके रखा था वो मूवी, किधर ये देख सकते हैं, ये 507 MB का फाइल है, ठीक है, देख सकते हैं। शेयर पर क्लिक किए और यहाँ पर क्विक शेयर पर क्लिक किए और यहाँ पर हम क्विक शेयर पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे इस तरह से और इसे ऑन कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसे एवरीवन कर देंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा, ये देख सकते हैं नाम आ चुका है, इस फोन का नाम है प्रदीप, ठीक है, इस फोन का नाम है संदीप, इस फोन का नाम है प्रदीप। तो हम प्रदीप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, ये एक्सेप्ट हमने किया। अब आप देखिए फटाक से फाइल हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा।
ये देख सकते हैं ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है और कुछ ही सेकेंड में हमारा फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा। देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो रहा है और ये काफ़ी फास्ट काम करता है यार, मतलब क्या ही तारीफ करें इसका, जितना तारीफ करें वो कम है, क्योंकि इसकी मदद से मैंने बड़े बड़े फाइल को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर रखा है। 10 GB, 20 GB, 30 GB का भी फाइल रहेगा वो एक झटके में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब वेट करते हैं कुछ सेकेंड, अभी मुश्किल से 3 सेकेंड हुआ है, ठीक है, अरे 5 सेकंड तक में चला जाएगा। और मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल इसलिए लेट हो रहा है, ठीक है, अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल नहीं है तो और भी जल्दी शेयर होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ये स्टोरेज को बहुत रीड करता है। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल रहेगा तो तरीके से काम नहीं करता, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, तो स्टोरेज को खाली ही रखना और आप फाइल को आप शेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली शेयर हो चुका है, ये देख सकते हैं हो गया, मतलब इस फोन से इसमें भी मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखा दिया और यहाँ से यहाँ भी आपको ट्रांसफ़र करके दिखा दिया। तो इस तरीके से यह काम करता है, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन सिस्टम है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।